हमें ट्राइबल पर, और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। बाद में वो काउंसलर भी बनी और वाइस चेयरपर्सन रायरंगपुर की बनी, और उसके बाद उन्होंने एक लंबा अरसा विधायक के रूप में देखा, और विधायक के रूप में वो मंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य मिला। उन्होंने सरकार में मंत्री के रूप में भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री और फिशरीज मिनिस्ट्री को भी उन्होंने संभाला। और सबसे अच्छी बात यह भी रही कि उन्होंने नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए 2007 का, वह भी उन्होंने अर्जित किया, उनको मिला। और बाद में वो 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड स्टेट की गवर्नर रहीं। तो इस तरीके से उनका राजनीतिक जीवन रहा है। एक बहुत ही संवेदनशील महिला नेत्री, जिन्होंने शिक्षा से अपने आप को जोड़ करके जीवन में आगे बढ़े, और जो जो जिम्मेवारियां उनको दी गईं उन्होंने बहुत उत्तम तरीके से उसको निभाया है। इसलिए एनडीए ने और एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बातचीत होते हुए आज संसदीय बोर्ड ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में घोषित किया है। बाकी जानकारियां और डिटेल हम देंगे, उनका बायोडाटा आपको अटैच कर दिया जाएगा। यही घोषणा मुझे करनी थी, तो ये भी सब डिटेल्स वर्कआउट होगा, हम लोग उसके दृष्टि से चर्चा करेंगे, लेकिन घोषणा हुई है यह मैं जानना। बहुत बहुत धन्यवाद।